subscribe to Sky 247 channel and press the bell icon so you never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमशेद, आपका स्वागत है Sky 247 की एक और धमाकेदार वीडियो में। तो Emirates G10 लीग का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है और उसका रिव्यू हम लेकर आ गए हैं। तो जो पहला मैच हुआ था उसमें फुजारा पैसिफिक वेंचर्स को पूरे टूर्नामेंट की अपनी दूसरी जीत मिली थी और मिली थी आबू धाबी के सामने 9 विकेटों से। आबू धाबी के तो भैया ग्रह नक्षत्र बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, जो लास्ट सीजन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो ही इस सीजन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विद द बॉल विद द बैट। और फुजारा दोबारा एक बहुत ही कमाल की फॉर्म में नजर आ रही है और इस फॉर्म को ये मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपरली मेंटेन भी करेंगे, क्योंकि उस लेवल की ये टीम भी है। हालांकि अगर मैच के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 69 रन्स पे निपटा दिया था आबू धाबी की टीम को, फिर से बैटिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे और 100 रन तो टच हो ही नहीं रहे हैं और पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो 69 रन्स पे आउट कर दिया पूरी टीम को और वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। संचित शर्मा बने थे मैन ऑफ द मैच, 2 विकेटें निकाली थी सिर्फ मात्र 13 रन देके। उसके बाद जब पुजारा चेस करने आया तो उनके लिए चेस कोई बड़ी बात नहीं थी, 70 रन चेस करना, सिर्फ 6 ओवर के अंदर ही चेस कर दिया। वसीम मोहम्मद और चिराग सूरी ने कमाल की बल्लेबाजी करी थी और एक बहुत ही क्विक नॉक खेले थे और एक कंफर्टेबल जीत दिलाई थी अपनी टीम। तो अगला जो मैच हुआ था उसको जीतने में कामयाब हुई थी शारजा बुखारी रेलवेमैन, जीती थी 61 रनों के साथ दुबई पल्सिकर से। दुबई पल्सिकर सिर्फ और सिर्फ मात्र 107 रन चेस कर रही थी, जो कि अगर जीत को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है अगर टारगेट को मद्देनजर रखा जाए तो। हालांकि शारजा जब पहले बैटिंग करने आया था वो सिर्फ 107 ही बना पाया था, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था और उन्हें उम्मीद नहीं की होगी कि इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे। तो 61 रन से जीतना बहुत ज़्यादा काबिलियत तारीफ है। 46 रन पे दुबई पल्सिकर को आउट कर दिया था, ऑल आउट कर दिया था, तो एक बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस था बोलर्स की तरफ से शारजा के। खासिद द्वाद बने थे मैन ऑफ द मैच, 4 विकेटें निकाली थी, 4 विकेटें मात्र 13 रन देके, जो कि इस टूर्नामेंट को मद्देनजर देखा जाए तो बहुत अच्छी रिमार्केबल परफॉर्मेंस को मैं बोलूंगा। और इस रिमार्केबल परफॉर्मेंस के कारण शारजा बनी थी विनर। लास्ट मैच जो था वो जीते थे अजमन अलुबंद 34 रन से आबू धाबी टीम के खिलाफ। तो आबू धाबी इज अगेन फेलिंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टाइम। आसिफ खान बने थे मैन ऑफ द मैच, 76 रन की पारी थी भैया सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में। तो इसको तो मैं बोलता हूँ भैया बल्ला चला के धुआं उड़ा के जो इनकी पारी थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पारी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बॉलिंग यूनिट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि आबू धाबी को सिर्फ मात्र 85 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो एक बार फिर से आबू धाबी वो 100 रन का मार्क नहीं टच कर पाई और बहुत डिसअपॉइंट होंगे कुछ से और सोचना होगा कि आके क्या करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।